गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय माँ दिशंति। चलिए अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जो हम बात करते हैं परिवर्तनों की, तो सबसे पहले गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो है वो कल्कि अवतार हम गुरुदेव को कहते हैं, और कल्कि अवतार गुरुदेव को इसलिए कहते हैं क्योंकि कल्कि अवतार की तस्वीर से गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है और गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है उससे त्रिविध तापों का नाश होता है, संसारिक अविद्या का नाश होता है और आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान के प्रकाश से उस ज्ञान के उजाले से हम अपने कलेशों को देख सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो द्विज यात्रा है और दोनों तरफ जो है समझदारी से निकल जाता है साधक साधना करता हुआ गृहस्थी जीवन में रहता हुआ। तो गुरुदेव का ये कल्कि अवतार जो है ये जिस रावण का नाश कर रहा है वो हमारे अंदर भीतर के क्लेश हैं, हमारे अंदर की जो तामसिकता है उसका नाश करते हैं कल्कि अवतार। बाहर नहीं नाश करते, अंदर ही सारा कुछ होता है, सब कुछ अंदर से ही रूपांतरण होता है, अंदर से ही राम का प्रकटीकरण है। तो कल्कि अवतार हम गुरुदेव को इसलिए कह रहे हैं कि गुरुदेव हमारे भीतर हैं, गुरुदेव ने कहा है कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम मेरे भीतर हो और तुम पूर्ण रूप से शरीर रूप से पूर्ण हो, बस तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, तो मैं तुम्हें ज्ञान करवाने आया हूँ, वो प्रकाश देने आया हूँ जिससे तुम्हें एक ज्ञान हो जाएगा। तो गुरुदेव का जो मंत्र है उसे साधक को जपना चाहिए, जितना हो सके उतना जपना चाहिए। काम काज आप कोई कर रहे हो तो काम काज करते करते आपको जपना चाहिए, दो समय नियमित ध्यान करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप ध्यान नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, आप नाम जाप को नहीं छोड़ना, नाम जाप ज़रूर ज़रूर करते रहना, नाम जाप ही चाबी है, नाम जाप से ही सारे परिवर्तन आते हैं। गुरुदेव ने नाम जाप के लिए कहा है कि ये पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है, सब कुछ जितना भी मैटर है जितना भी हम देखते हैं, जो कुछ भी रचना इस ब्रह्मांड में हुई है वो सारी की सारी शब्द से हुई है, और उस शब्द की लीला ऐसी है कि वापिस उस शब्द तक पहुंचा जा सकता है शब्द के माध्यम से, और कोई रास्ता नहीं है। तो वो शब्द है गुरु मंत्र, गुरुदेव के मंत्र में ही सब कुछ है, सारी चीज़ें गुरुदेव के मंत्र में हैं। जो कुछ आपको प्राप्त होना है वो आपके अंदर से प्राप्त हो जाएगा, आपकी डाइट में चेंज होना है तो आपके अंदर से चेंज हो जाएगा, आपको जो भी मार्गदर्शन आपके जीवन में होता है, ज़रूरी नहीं है गुरुदेव आपको अंदर से बोल के बताएंगे या फिर आपको कुछ पता चलेगा कि हाँ ये करना है वो करना है, आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई संदेश नहीं अंदर से, कुछ नहीं है, बस आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा अपने आप। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे अंदर से ऐसा आदेश मिला कि मुझे ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, गुरुदेव का जहाँ तक मैंने अभी तक अनुभव किया है तो जनरली गुरुदेव आदेश वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं देते, वो सीधा कर देते हैं, वो आपको आपके माध्यम से वो काम हो जाता है। आप प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हो वहाँ पर फिर बुद्धि का प्रयोग आना शुरू हो जाता है, और जहाँ बिना प्लानिंग के कार्य चलता है बस अपने आप घटना घटती रहती है वहाँ पर गुरुदेव कार्य करते हैं। अगर मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और मैं गुरुदेव से कहूँ कि गुरुदेव मैं बातें करने लगूँ गुरुदेव से, गुरुदेव मैं पास हो जाऊँगा या हो जाऊँगा, तो मैं फील करूँगा गुरुदेव से मन में बात करो पास हो जाओ, तो वो पास ही करेंगे आपको, फेल नहीं करेंगे। मन में ऐसा कभी नहीं आएगा नहीं बेटा तू तो आज फेल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो साधक जो होता है कई बार मन ही मन में बंद करके गुरुदेव से बात करता है और अपनी महत्वाकांक्षा को बल देने लगता है और महत्वाकांक्षा के अनुसार ही वो गुरुदेव के आंसर को पाने लगता है। ये अध्यात्म नहीं है,
अपने हिसाब से गुरुदेव को चलाना, ठीक है। अब हम चलाते हैं गुरुदेव को अपने हिसाब से, हम सोचते हैं गुरुदेव ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हम चलाने की कोशिश करते हैं गुरुदेव को, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कुछ भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और किस तरह की यात्रा है, किस तरह की नहीं है। जब आप गुरुदेव से अपने मतलब की बात में बातें नहीं करते, जब तक हम अपने भौतिक जीवन में जो समस्याएं हैं उसके सोल्यूशन को लेके गुरुदेव से बातें करेंगे, तब तक वो हमारी महत्वाकांक्षा आ जाती है, क्योंकि हम तो वही चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आंखें बंद करके गुरुदेव से बात करूं या कहूँ तो वो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होती ही आएंगी, और फिर वो जब नहीं होती हैं तो फिर वो विश्वास टूटने लगता है कि हुआ नहीं, मैंने तो सोचा था गुरुदेव से बात हुई थी। इस तरह से अध्यात्म को सोचना नहीं, इस तरह से अध्यात्म की गाड़ी नहीं चलती है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं। अब इस समय जिस पोजीशन में हैं, अभी हमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो हम इस समय अपने हिसाब से वो सारी कल्पना करने लग जाते हैं, तो कल्पना नहीं है ये अध्यात्म में। कल्पना करके हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, हमें क्या करना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम है, आप स्टूडेंट हो, तो आपको जय गुरुदेव जपने से अच्छा है आप अपनी पढ़ाई पूरी करो। जो पढ़ाई आपके पास है, जो किताबें आपके पास है, उसको अच्छे से रटो, उसको अच्छे से याद करो, वही आपके लिए सही तरीका है। गुरुदेव से प्रणाम करके बैठो, गुरुदेव का ध्यान करके बैठो, गुरुदेव का आशीर्वाद लेके बैठो। गुरुदेव से कहो, गुरुदेव मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे याद हो जाए, ठीक है। अब मैं गुरुदेव पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट आ जाऊँ, हाँ आ जाएगा फर्स्ट बेटा, तो यही जवाब मिलेगा आपको। आप अपनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चमत्कार या किसी प्रकार का कोई ऐसा हो जाएगा, अभी चमत्कारी रूप से मेरे एग्ज़ाम्स में कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अध्यात्म में चमत्कार कोई भी नहीं है। और जहाँ तक हम सनातन धर्म की बात करते हैं कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म कैसे कार्य करता है, कैसे नहीं कार्य करता है, तो सनातन धर्म जो है उसकी जो जड़ें हैं वो उल्टी हैं। नॉर्मल हम हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक यात्रा है, जब जो हम जीवन सामने देखते हैं, तो हमें जो दिखता है वो सब कुछ सीधा दिखता है। जैसे हम बाहर पेड़ देख रहे हैं तो ये सीधा है बिल्कुल, तो हमें सारी चीज़ें वैसे ही देखनी आती हैं जैसी वो दिखती हैं। पेड़ सीधा है, कहीं पर पेड़ उल्टा देखा अपने जीवन में, कहीं कहीं पेड़ उल्टा होगा, हो जड़ें उसकी ऊपर हो, फल उसके नीचे हो। सेब नीचे लगे हुए हैं, अनार नीचे लगे हुए हैं, जड़े ऊपर है, तो वो पानी कैसे जाएगा, उसको नहीं जाएगा पानी उसको। तो जीवन और अध्यात्म बिल्कुल उल्टा है। तो जब हम ध्यान करते हैं या फिर ध्यान में गुरुदेव से बात करते हैं, तो हम ये नहीं जानते कि वो उल्टा है। हमें पता ही नहीं है कि वो उल्टा है, तो हम अपने अनुसार से जैसा हम दुनिया को देखते हैं, जब गुरुदेव से बात करते हैं तो वैसी ही महत्वाकांक्षा करते हैं कि दुनिया में ये है तो ऐसे घटना होगी तो ये मेरा हो जाएगा काम। लेकिन अध्यात्म में वो घटना उल्टे रूप से घटती है, वो अलग रूप से घटती है, क्योंकि सच्ची घटनाएं जो होती है, अगर आप सच्ची में समझना चाहते हो अध्यात्म को, तो वो वैसे नहीं है जैसे हम दुनिया को देख रहे हैं। अगर वो वैसे ही होता तो हमें अध्यात्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें ऊर्ध्वगमन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें जागृत होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सब कुछ ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि हम सुषुप्त अवस्था में हैं। अगर हम अपने भौतिक आँखों से देख रहे हैं, तो हम ये सुषुप्त अवस्था की देखनी है। जो कुछ इन आँखों से दिखता है वो सारा का सारा सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जड़ अवस्था में पड़ा हुआ है। और जो प्रोसेस हमें इन आँखों से दिखती है, जो चीज़ सीधी हमें इन आँखों से दिखती है अध्यात्म में, वो अगर अध्यात्म में उस चीज़ को हासिल करना है तो उल्टा होना पड़ता है। शीर्षासन जब हमें लगता है तो हम कितने खुश होते हैं, वाह हमें शीर्षासन लगा, भाई तुम्हें तो उल्टा कर दिया गया है। अगर टीचर आपको कहे भाई तुमने शरारत की है, चलो उल्टे लटक जाओ वहाँ पे जाके जाओ, तो आपको लगेगा यार ये तो सज़ा मिल गई। अब अध्यात्म में अगर शीर्षासन लग जाएगा तो कहेंगे वाह क्या बात है, आज मुझे शीर्षासन लग गया। तो चीज़ एक ही है, एक जगह दुख हो रहा है कि टीचर ने उल्टा लटका दिया है, एक जगह खुशी हो रही है कि अध्यात्म में आज मुझे शीर्षासन लगा। तो अध्यात्म में जब हम जब गुरुदेव से मन ही मन में बात करते हैं ना, तो हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को जल देते हैं, ठीक है। गुरुदेव ने आपको बिल्कुल फ्री विल में रखा हुआ है, वो आपसे अपना कार्य जरूर करवाते हैं, लेकिन बीच में आपको भेजा दही लेने, जा बेटा दही लेके आ। अब दही लेके आने के 10 रास्ते हैं, आप कौन से रास्ते से जाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। गुरुदेव ने सिर्फ आपको दही लेके, भाई दही चाहिए, दही आना चाहिए, जाओ,
लेके आओ दही, बस आपका कार्य है कि आपने कैसे करना है, कैसे लेके आना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास, एक साधक जब कहते हैं कि योगी क्यों भटक जाता है, योगी भ्रष्ट क्यों हो जाता है, योगी काम करते करते अगर योग कर रहा है, उस परमात्मा का योग कर रहा है, तो उसके भटकन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ तो उसको वही करवा रहा है, परमात्मा ही कर पा रहा। लेकिन वो भटक क्यों जाता है? क्योंकि फ्री विल रहती है, जब तक उस जड़ पे नहीं पहुंचते जो उल्टी है, तब तक उस जड़ तक आपके पास फ्री विल है पूरी की पूरी। तो अध्यात्म में जब हम हृदय से ऊपर उठते हैं तो हम जड़ों की तरफ पहुंचते हैं, ये है जड़ें। ये जो आपका मस्तिष्क है, हज़ारों न्यूरॉन इसमें घूम रहे हैं, ये यहाँ पर ऊपर में उसकी जड़ है, ये सहस्रार जो है ये जड़ है सनातन धर्म की, ये बीज यहीं से है पैदा। और जिस ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सनातन धर्म का उत्थान होगा, उस ईश्वर का उत्थान होगा, वो ईश्वर डिसेंड डाउन कर रहा है, तो वो सहस्रार में, वो सनातन धर्म सहस्रार में बैठा मालिक, वो जब सारा सृष्टि की जो रचना है वो ऊपर से नीचे होती हुई आई है। जब गुरुदेव कहते हैं कि कुंडलिनी ने संरचना शुरू करनी करी, तो वो नीचे आई, डिसेंड डाउन करती करती लोगों की रचना करती हुई मूलधारा में आके सुषुप्त हो गई। तो जहाँ से शुरुआत हुई है वही बीज होना चाहिए। तो अध्यात्म का बीज यहाँ पर है, सनातन धर्म का बीज यहाँ पर है, सनातन धर्म की जड़ें ऊपर हैं, जहाँ पर हम हैं वो फल है, ये जगत फल है जिसका हम भोग करते हैं। लेकिन हमें अगर इस जगत को सही मायने में समझना है तो हमें जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी, तब जाके जो है जीवन के भोग आपको समझ में आएंगे कि क्या, कौन सा फल मीठा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा फल छोड़ना है, कौन सा नहीं है। तो कल्पतरु है वो, उसके फल जो है वो ऊपर है, उसकी जड़ें जो है यहाँ पर है। तो कल्पतरु के पेड़ तक अगर आपको पहुँचना है तो आप पहले तो ये समझना होगा कि पेड़ की जड़ें हैं किधर। जो भौतिक रूप से हमें दिख रहा है वैसा पेड़ तो वो होगा नहीं हरगिज। देवताओं के वहाँ पर एक वृक्ष लगा है सोने का, और वो उस पर कोई फल लगा है, उसको खाने से मतलब सच में हो रहा है। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप है कि कल्पतरु का एक पेड़ है जिसमें जिसका फल खाने से त्रिविध ताप शांत होते हैं। तो सच में थोड़ी, सच में कोई पेड़ थोड़ी है। मच्छिंद्र नाथ जी ने जब उदाहरण दिया है कि योग कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं। तो योग कल्पतरु का अमर फल है, यानी कि जो योग अभी हम कर रहे हैं वो फल है, उस फल की प्राप्ति हुई है। उस फल की प्राप्ति आपको कहाँ से हुई? उस मंत्र की प्राप्ति, इस मंत्र से ही तो सारा योग चल रहा है, गुरु से ही तो सारा योग चल रहा है। तो वो मंत्र, वो फल कौन सा है जो कल्पतरु का फल है? अगर मैंने फल खाया हूँ, अगर मैं सिद्ध योग में हूँ, महेंद्र नाथ जी के योग में हूँ, तो मैंने वो फल खाया है, लेकिन वो फल मैंने किसी पेड़ से तो तोड़ा नहीं, ना तो मैं कभी स्वर्ग में गया, ना आप गए कहीं जहाँ से वो पेड़ भी तोड़ के लाए। तो कल्पतरु जो है वो कल्पतरु कोई पेड़ नहीं है, कोई मतलब भौतिक रूप से दिखने वाला पेड़ नहीं है। इसका मतलब है जिन चीज़ों को अध्यात्म में प्रतीकात्मक रूप से बताया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हमें यहाँ पर दिखें। वो जिस तरह से सूक्ष्म रूप में कार्य करती हैं, सारा अध्यात्म सूक्ष्म में कार्य करता है, जड़ रूप में उसका प्रतीकात्मक रूप हमें बाहर दिखता है कि एक पेड़, एक जैसे कल्पतरु पेड़ है उसका अमर फल है, वैसे एक सेब का फल है, उसमें सेब लगते हैं, हम सेब खाते हैं तो हमें आराम मिलता है। तो वो तो उसका प्रतीकात्मक रूप है, जस्ट कल्पतरु हमें, फिर जैसा ये पेड़ है तो हमें लगता है कि वो भी वैसे ही पड़ेगा, तो एक्चुअल में वो पेड़ के जैसा ही कार्य करता है। उसकी जड़ें हैं, उसके पत्ते हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसका फल है, ये सब सही बात है, लेकिन दिखने में वो वैसा नहीं जैसा सेब का पेड़ है या अनार का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, वैसा नहीं है। इसी तरह से जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम गुरुदेव से बात करते हैं कि मन में मैंने गुरुदेव से कुछ मांगा या कुछ किया, उस समय कल्पना नहीं करनी चाहिए। कल्पना करने से हम भौतिकता के हिसाब से कल्पना करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता सूक्ष्म है, वो कैसे कार्य करती है वो नहीं पता। बाहर सेब को तोड़ के खाना पड़ता है, लेकिन कल्पतरु का जो अमर फल है उसको तो ना तो तोड़ना पड़ता है, ना उसको आप भौतिक रूप से खाते हैं, तो बिल्कुल प्रोसेस अलग हो गई। वो कौन है कल्पतरु? वो आपके गुरु हैं।
अगर अब आप कहोगे गुरु तो शरीर है और पेड़ की बात हो रही है, तो ये कैसे संभव है? ये ऐसे ही संभव है, ऐसे ही है। अध्यात्म बिल्कुल वैसा ही है, जैसा वो दिखता है वैसा वो नहीं, जैसा उसकी संरचना सामने दिख रही है। वो सूक्ष्म रूप से उस तरह से वो चीज़ का कार्य करता है, हमें डेफिनेशन से बाहर दी गई हैं। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता में बहुत अंतर है, इसलिए ये जो कल्पनाएं गुरुदेव कहते हैं ना कि कल्पना करवाई जा रही है, उन कल्पनाओं से सिर्फ और सिर्फ बाधा आती है, उन कल्पनाओं से सिर्फ रुकावट आती है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। वो सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भर है सिर्फ। जब असली में ध्यान लगता है ना, जब आपका ध्यान लगता है, तो आपको आपको अपने शरीर की होश नहीं होती। जब तक क्रियाएं होती रहती हैं तब तक तो आपको होश रहता है कि क्रियाएं हो रही हैं वगैरह हो रही हैं। जैसे ही चेतना ऊपर अध्यात्म में प्रवेश करती है, आज्ञा चक्कर से ऊपर जाती है, आपको इस शरीर का कोई होश नहीं रहता, कोई होश नहीं रहता इस शरीर का। आप ध्यान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ समय तक आप ऐसी अवस्था में रहते हो कि आपको पता है आप ध्यान में बैठे हुए हो और बस है, बस एक नशा सा रहेगा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद नहीं पता चलेगा। और जब आप ध्यान से वापिस आओगे तब आप ये भौतिकता फिर आपको दिखने लग जाएगी। फिर आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि मैं ध्यान में मैंने क्या देखा, मुझे पता ही नहीं मैं क्या था, बस गया और मैं आ गया, कितनी देर गया मुझे तो ये भी पता नहीं है। तो जब तक आपकी चेतना मूल रूप से भौतिकता में है, तब तक ध्यान में गए और ध्यान में क्या लाए क्या नहीं लाए उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन उसका फलस्वरूप आपको अपनी साधना में, अपने परिवर्तन में, अपने घर परिवार में दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब साधक कहता है कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो उसी ध्यान से ही आ रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो क्या लेके आ रहा है वहाँ से, क्योंकि वो भौतिक रूप में उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अध्यात्म में जो आध्यात्मिकता है उसमें भौतिकता के रूप में मैं बता सकता हूँ कि पेड़ है, इसका फल है, लेकिन अब आप कल्पतरु को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अगर आप कहो कि मैं कहूँ कि मैंने कल्पतरु को देखा है और मैं कहूँ कि गुरुदेव ही वो कल्पतरु है, तो आप कहेंगे तो पागल है। लेकिन अगर फिर मैं इसकी व्याख्या करूँ कि जो जो फल है, जो योग है, वो तो मैं खा रहा हूँ, वो तो योग तो मेरा हो रहा है, तो मुझे वो फल देने वाला, योग देने वाला, वो मंत्र देने वाला कौन है? वो गुरुदेव है। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि योग कल्पतरु का फल है, तो मुझे योग मिला, फल मिला, किससे मिला? गुरुदेव से मिला। तो मेरे लिए कल्पतरु मेरे गुरुदेव हुए, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति गुरुदेव करेंगे। लेकिन जब मैं उनसे बैठ के बात करूँगा कि गुरुदेव ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो कहे हाँ हो जाएगा, तो वो गुरुदेव, गुरुदेव को उस तरह से देख के कल्पतरु की इच्छाएं पूरी करने वाली महत्वाकांक्षाओं की बात मैं कर रहा हूँ कि वैसे नहीं। आप सिर्फ उस योग के जो फल आपको दिया गया है वही एक संपर्क है, उस कल्पतरु से बात करने का, संपर्क साधने का एक ही तरीका है। उनसे बातें करके नहीं, बल्कि उस नाम को जपते हुए ही उस कल्पतरु से इच्छाओं की या फिर मुक्ति, त्रिविध तापों का नाश हो सकता है। कल्पतरु आपसे बातें नहीं करता, आपसे शब्दों में, आपके विचारों में बात नहीं करता। कल्पतरु का जो फल है वो फल के माध्यम से, वो जो फल खाएंगे, फिर उसका जो बीज है, योग का जो बीज है, वो यहाँ है। उस फल को खाते हुए, उस बीज तक पहुँचते हुए आप यहाँ पहुँचोगे, उस वृक्ष पे यहाँ पहुँचोगे, जो सनातन धर्म की जड़ें जिसे कहा जाता है। कल्पतरु की जो जड़ है वो सनातन धर्म है, जिससे वो कल्पतरु है। तो इसीलिए वो पेड़ उल्टा है, उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए आपको पहले उसके बीज तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बीज तक पहुंचने से पहले उसके फल का सेवन करना पड़ेगा, उसके फल के सेवन से पहले आपको वो वृक्ष रूपी कल्पतरु पता होना चाहिए क्या है। तो वो वृक्ष एक्चुअल में गुरुदेव, योग जो उनसे प्राप्त हुआ, हमें दीक्षा जो प्राप्त हुई वो फल, और वो बीज जो है वो सनातन धर्म, और उस बीज से प्रकट हुई वो जड़ें यहाँ कल्पतरु की जड़ें, उससे फिर आगे गुरुदेव का प्रकट होना। तो बीज जब आपके अंदर आएगा, जो बीज आपके अंदर आएगा वो आपके सामाजिक भौतिक बीज को नष्ट करेगा, तभी उस भूमि पे वो बीज आएगा। आप एक जगह पे आलू की खेती कर रहे हो, अब यहाँ पर आपको कोई दूसरी खेती करनी है, तो आपको उसको हल को चलाना पड़ेगा, उसके बीज, उस जो मिट्टी है, जो भी खेती आपने की है, उसको निकालना पड़ेगा, फिर नया बीज डालना पड़ेगा। तो कल्पतरु के योग का फल खाते समय
उस बीज की डिस्कवरी के समय जो ऑलरेडी बीज भौतिकता के रूप में है, इसका नष्ट होना, सबीज समाधि तक का लगना। जब सबीज समाधि लगेगी तब आप बीज तक पहुंचोगे अध्यात्म के, और इस तरफ भौतिकता के बीज तक पहुंचोगे। नरबीज समाधि में इस बीज का नष्ट हो जाएगा और कल्प तरु के बीज का उत्थान होगा जो आपको मुक्त करेगा। नरबीज समाधि में पूरा बदल जाएगा, फिर आप स्वयं त्रिगुणातीत होके उस गुरु रूप में परिवर्तित हो जाओगे। आप स्वयं कल्पतरु के फल से बीज की प्राप्ति करके उसी बीज से वही कल्पतरु का पौधा जो बनेगा वो आप। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन उस फल से, उस योग से, उस कल्पतरु में ही होना है। अब ये बात जो है, ये गुरुदेव ने एक बार कही, उन्होंने कहा कि आप स्वयं ठीक करोगे अपने आप को। आप क्या हो ये आप जानते नहीं। मैंने जिन शक्तियों को गुरु कृपा से जागृत किया है आप भी कर सकते हो। यानी कि अगर मैं गुरुदेव से कोई इच्छाओं की मांग करूं तो मैं अपनी कैपेबिलिटी को, कि मैं स्वयं कल्पतरु हूं और मैं स्वयं अपनी सारी चीज़ों को पूर्ण कर सकता हूं, इस पे मैं थोड़ा सा क्या है मिट्टी डाल दे रहा हूं कि यार गुरुदेव से ही मांग लेते हैं, दूसरे से ही मांग लेते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं मैं ऐसा नहीं करने आया, मैं तुम्हारा रूपांतरण करके तुम्हें स्वयं कल्पतरु बनाने आया हूँ, नहीं तो फिर उस फल के सेवन का लाभ नहीं। अगर ऐसा होता कि मैं योग का सेवन करूँ और मैं उसके बीज तक ना पहुँचूँ, उस बीज की जानकारी ना हासिल करूँ, तो मेरी एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लो कि इस दुनिया का जो बीज है, जिसे जैसे हम एक बीज से प्रकट हुए, वीर्य से पैदा हुए, तो वीर्य एक बीज जो फल है, वनस्पति है, ये जितना भी खाद्य पदार्थ है, जितनी भी सृष्टि ये चल रही है, ये बीज मात्र है। सिर्फ पृथ्वी की हर घटना बीज की है और कुछ भी नहीं। तो मेरे अंदर जो, अगर मैं एक भूमि हूँ, मेरा शरीर एक भूमि है, मेरे अंदर अगर योग का फल मैंने ग्रहण किया है तो उस योग से जो बीज प्राप्त होगा उस बीज से ही मेरा उत्थान संभव है, नहीं तो नहीं है। कब तक मैं देख के कॉपी करता रहूँगा, कब तक मैं उस चीज़ को करता रहूँगा। अगर एक सेब का वृक्ष नहीं होता तो उसके बीजों से लाखों सेब आज नहीं होते। विवेकानंद ने ये बात एक बार कही थी कि ये बीज ही है जो पूरा जंगल बना देता है। सिर्फ एक बीज से एक वृक्ष, उस एक वृक्ष से कई फल, उस कई फलों, एक एक फल में कई कई बीज। तो कल्पतरु अगर है तो वो रूपांतरण का बीज है। कल्पतरु रूपांतरण का वृक्ष है। कल्पतरु एक रचनात्मक और एक प्रतीकात्मक दृष्टि है कल्पतरु का होना। कल्पतरु आपको बाहर से कुछ नहीं देगा, कल्पतरु कोई इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, वो आपको स्वयं कल्पतरु में परिवर्तित करेगा। आप स्वयं इस काबिल होने चाहिए कि आप खुद वो कार्य करो। आपको ठीक करने वाला वो दूसरा नहीं होना चाहिए, आपको ठीक करने वाले आप स्वयं होने चाहिए। तब जाके आपने योग के फल का सेवन किया, नहीं तो आपने उस योग के फल का सेवन नहीं किया, फिर ये अध्यात्म, ये सनातन धर्म, इसका उत्थान असंभव है। किसी और तरीके से इसका उत्थान नहीं हो सकता। एक सेब के वृक्ष को कई वृक्ष बनाने के लिए उसके बीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप सबको परिवर्तन होना है, शिष्य का परिवर्तन गुरु में ही होता है हमेशा, नहीं तो उसका पूर्णता हो ही नहीं सकती। अगर गुरु पूर्ण बैठा है और शिष्य उसकी पूर्णता को प्राप्त ही नहीं करता तो उसका तो उसकी तो यात्रा बेकार है। गुरु उसको अपने आप में, गुरु एक अनंत आखिरी तत्व है, आदि अनादि वही है। तो जहां जो भी संरचना है वापिस उसी में जाके मिलेगी। तो सनातन धर्म को विस्तार से अगर बोला जाए कि ये कल्पतरु है तो कोई बुरी, कोई गलत नहीं, और कहा जाए उसकी जड़ें उल्टी हैं तो कोई गलत नहीं। और अगर कहे जाए कल्पतरु ही है वो जो सनातन धर्म है, उसमें और सनातन धर्म में कोई फर्क नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई गलत नहीं है। कल्पतरु सनातन धर्म ही है और वो अपना उत्थान तभी कर सकता है जब वो स्वयं को मल्टीप्लाई कर सके। एक अकेला कृष्ण धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, उसको अपने जैसे कई बनाने पड़ेंगे, सारे बनाने पड़ेंगे। धर्म की स्थापना तभी हो सकती है। तो एक अकेले गुरुदेव अगर धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो असंभव है।
उन्होंने कहा है कि मैं अकेला ठेकेदार नहीं हूँ, आप सबको ये कार्य करना है। इसका अर्थ ये है कि आप में मैं वो रूपांतरण दूंगा जो मुझ में है, मुझ में जो रूपांतरण गुरु कृपा से आ गया वो आप में भी आ सकता है, यही गुरुदेव ने कहा है। तो वो ही वो बीज की बात करते हैं, वही रूपांतरण की बात करते हैं, उसी कल्पतरु की बात करते हैं, वो आपको कल्पतरु बनाना चाहते हैं। आपको उस कल्पतरु की खोज खुद करनी है अपने अंदर, और वो किसी सहायता से आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो फल से वो बीज प्रकट होता है, जिस फल से उस बीज से वो जड़ से वो सनातन धर्म की गुत्थियाँ सुलझती हैं, वो वृक्ष में रूपांतरण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फल ही है। उस फल के अलावा आप परिवर्तित नहीं हो सकते, आपका रूपांतरण असंभव। हवा से सेब का पेड़ नहीं निकल सकता, मैजिक, और जादूगर आता है टोपी से कबूतर निकालता है क्या टोपी से कबूतर निकल सकता है? अगर निकल सकता है तो फिर समझ लो अध्यात्म ऐसा ही है, वो आंखों का धोखा है। तो बाहर से घटनाएं जो घटती हैं या मैजिक जो होते हैं, वो धर्म नहीं हो सकता, वो अध्यात्म नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म नहीं हो सकता। ये साइंटिफिक विज्ञान है। इसका अर्थ है कि एक वृक्ष का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ एक बीज से हो सकता है, और सांख्या योग इसी फिलॉसफी को जोर देता है, वो मैजिक में बिलीव नहीं करता। इसलिए सांख्या योग आज जितना भी विज्ञान फैला हुआ है, वो सांख्या योग की एक ही प्रॉब्लम है कि वो ईश्वर की सत्ता को नकार देता है, लेकिन उसका विज्ञान है, वो पूर्ण विज्ञान है, वो मैजिक में विश्वास नहीं करता। बाहर से भौतिकता से अध्यात्म में परिवर्तन आएगा, वो ऐसा नहीं मानता। इस मामले में सांख्या योग की तारीफ की जानी चाहिए कि वो भटकने नहीं देता इंसान को, साधक को। तो बाहर से कोई भी हवा से पेड़ नहीं निकल सकता, इसी तरह से आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो बाहर से कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता आपकी समस्याओं का समाधान। क्षण भर के लिए मन को शांति प्राप्त हो सकती है, या क्षण भर के लिए हम किसी पेड़ को काट सकते हैं। चलो भी साफ हो गया, जंगल काट दिया, साफ दिख रहा है आगे पेड़ नहीं है, लेकिन वो बीज अंदर रहा है, उस बीज को नष्ट नहीं कर सकती वो चीज़ें। सिद्ध योग एक महान 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 एक परंपरा से शुरू होता है। ठीक है, तो सिद्ध योग क्या है, सनातन धर्म क्या है, कल्पतरु क्या है? सिद्ध योग फल है, सनातन धर्म वो कल्पतरु है, और आपके गुरुदेव स्वयं सनातन हैं, सनातन धर्म का वृक्ष हैं, कल्पतरु स्वयं वो कल्पतरु हैं, और उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्वयं का कल्पतरु, जैसे वो खुद कल्पतरु हैं, वैसा ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उसके लिए आपको उस बीज को धारण करना पड़ेगा। बीज डायरेक्ट आपको मिल नहीं सकता, इसलिए वो फल के रूप में, योग के रूप में दिया जाएगा। वो योग को हम धारण करेंगे, धीरे धीरे उस फल को जैसे जैसे खाते जाएंगे, जैसे जैसे उसको धारण करेंगे, उसके अंदर से जो बीज निकलेगा, उसका बीज यहाँ पर डलेगा। यहाँ पर एक ऑलरेडी बीज है जो भौतिकता का है, वो नष्ट हो जाएगा यहाँ पहुँच के, और नए बीज का यहाँ से अंकुरण होगा, वही कल्पतरु है। आप स्वयं ही कल्पतरु में परिवर्तित हो जाओगे, यही डेफिनेशन है मच्छिंद्रनाथ जी की। योग कल्पतरु का वो अमर फल है जिससे त्रिविध तापों का नाश होता है, और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है, और साधक मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यही है सनातन धर्म, यही है वो उल्टा वृक्ष कल्पतरु। और भौतिकता में जो हम बातें सोचते हैं, मन मन में जो बात करते हैं, या मन मन में हम अपने सपने सजाते हैं, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं, वो दिखने वाली गंगा वो उल्टी उल्टी है, वहाँ सेम नहीं है। इसीलिए कभी कल्पना नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवर्तन पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण निष्ठा से जो मिलना है अंदर से ही मिलेगा, बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार की कुछ भी बाहर से प्राप्त नहीं होता है, सब कुछ अंदर से मिलता है, और कोई आदेश दे के अंदर से नहीं देता, वो दे देता है बस, वो हो जाता है, वो घटना घट जाती है, वो प्लानिंग भी नहीं करता। भगवान कभी प्लानिंग नहीं करता, उसने सब कुछ घटा दिया है, रील घटाई हुई है, तो हमारी प्लानिंग का कोई मकसद नहीं बनता उस चीज में। प्लानर जो होते हैं ना, वो संत नहीं हो सकते, संत कभी प्लान नहीं करता। एक संत हुए,
वो एक जगह खाना खाने पहुँचे, गांव में पहुँचे तो गांव में उनकी बड़ी सेवा हुई, खाना वाना उनको खिलाया और कुछ दिन रहे वहाँ पर, और फिर उनका जाने का समय हुआ। तो जब उनका जाने का समय हुआ तो गांव वालों ने बहुत सारा खाना बांध दिया, फ्रूट वगैरह बांध दिए, तो सब उनको कहने आए, सब लेके आए, बोला ये लीजिए, ये लेके जाइए साथ में, रास्ते में खाना लगेगा, शाम को कहाँ रुकेंगे। तो उन्होंने कहा, भाई मैं संत हूँ, मैं उस ईश्वर के नाम से चलता हूँ, मुझे खाना देने वाला ईश्वर है, मैं स्वयं को खाना नहीं देता, मैं स्वयं की प्लानिंग नहीं करता, मुझे कहाँ सोना है, मुझे क्या खाना है, खाना भी है कि नहीं खाना है वो ईश्वर डिसाइड करेगा। तो अगर मुझे खाना है तो मैं ठीक कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँगा, अगर वो चाहता है कि नहीं शाम को खाना नहीं खाना है, आज ऐसी सो, तो मैं नहीं पहुँचूंगा, ये मैं अपना इंतजाम नहीं कर सकता, मैं स्वयं अपनी बाधा नहीं बन सकता, ईश्वर ही मेरा मार्ग प्रदर्शित करेंगे। तो जब आप इस योग पथ पे हो तो वो सारे प्लान आपके वो बनाएगा, अंदर से बनाएगा। आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ समाधान चाहिए, वो अंदर से देगा, बाहर से नहीं है। आप गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हो कि गुरुदेव मुझे ये चीज़ का ज्ञान करा दो, या ये चीज़ का बता दो, तो आपको वो प्रकट हो जाएगी चीज़ अपने अंदर से, वहाँ पे प्रार्थना काम आती है। ठीक है, तो जो भी है वो इस योग को समझ के आप चलिए, इस योग को समझ के आगे बढ़िए, पुस्तक पढ़िए, अच्छी पुस्तक पढ़िए योग के ऊपर, आपको ज़रूरी है पुस्तकें पढ़ना, योग के ऊपर पुस्तक पढ़ना आवश्यक है इस योग को समझने के लिए। अगर आपको लगता है ना कि आप नए साधक हो और आपको कैसे पता चले समर्पण क्या है, कोई आपको दूसरा शिष्य बता देगा, तो ऐसा नहीं करना। आप नए शिष्य हो, किसी पुराना शिष्य को कोई पुराना शिष्य ही आपको बता सकता है क्या सही है, तो ये गलत धारणा है। पुराने शिष्य ने कुछ भी हासिल नहीं किया अभी तक, ठीक है, पुराने शिष्यों ने कुछ भी हासिल नहीं किया है, जरूरी नहीं है पुराने होने से उसको बहुत कुछ मिल गया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो सही मार्गदर्शक है वो है संतों की लिखी हुई वाणियाँ, संतों की लिखी हुई पुस्तकें, वहाँ से मार्गदर्शन करो। आपको कुंडलिनी योग के बारे में पढ़ना है तो कुंडलिनी योग की पुस्तक पढ़िए, अच्छे संत की पुस्तक पढ़िए जो संतों ने लिखी है। आपको गुरुदेव की जानकारी चाहिए तो गुरुदेव की पुस्तक पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, वो स्वयं पढ़ते पढ़ते वो प्रदर्शित होने, एक बार में कोई महाज्ञानी भी बैठ जाएगा तो उसको समझ नहीं आएगी जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। आप नाम को जाप करते रहो और गुरु की पुस्तक पढ़ते रहो, नाम की जाप करो, गुरु की पुस्तक पढ़ो, तो वो पुस्तक, वो नाम, वो स्वयं आपके सामने सारे भेद प्रकट करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, चाहे आप पहले दिन हो, नए साधक हो और पहला दिन है आपका, आपका वो मार्ग प्रदर्शित करने में उतना ही सक्षम है जितना कि किसी 10 वर्ष पुराने साधक का। अगर वो ऐसा नहीं करता, वो कहता पुराना साधक है उसका मार्गदर्शन मैं ज़्यादा अच्छे से करूँगा, नए का नहीं करूँगा, तो वो तो भेद हो गया, फिर आपने गुरुदेव को समझा नहीं, और जो आपको ज्ञान देगा कि गुरु ऐसा करता है वैसा करता है, तो उसने भी नहीं समझा, तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो, तुम नए हो, तुम नहीं समझते हो, तुम भी तो कभी नए थे। ऐसी ऐसी जगहों पे गुरुदेव का प्रचार होता है जिनको लैंग्वेज ही नहीं आती, गुरु की तस्वीर क्या लैंग्वेज बोलती है, क्या बताती है, कुछ भी नहीं, तो गुरुदेव की तस्वीर है घर में, सिर्फ तस्वीर है घर में, उस तस्वीर से ही उनका काम चल रहा है, उनको पता नहीं। कई जगहों पे ऐसा है, तस्वीर दे दी किसी ने, कैलेंडर दे दिया, जी हाँ जी फ्री कैलेंडर, हाँ हाँ इस साल का हमारे पास कैलेंडर नहीं है, दे दो दे दो, तो कैलेंडर समझ के लगा दिया दुकान पे, अब ना वो बात हो रही है ना कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी वो तस्वीर परिवर्तन कर रही है। तो कौन दे रहा है ज्ञान, कौन समझा रहा है, कौन विधियां बता रहा है, कोई भी नहीं बता रहा उनको। ये सच्चा योग है, ये सच्चा लिंक है, वो परमात्मा, आप चाहे कितने भी नए साधक हो, 1 सेकंड के साधक हो, वो आपको संभाल सकता है। वो अगर आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर आपको किसी प्रकार से वो शिक्षा देता है तो वो संभाल रहा है आपको, उसका शिक्षा देने का ढंग है। आपकी समस्याएं, आपका दुख, आपकी बीमारियां आपके लिए शिक्षा का स्वरूप है। मेरी परेशानियां जब आती हैं, जब मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, कोई बोलता है कि मुझे डिप्रेशन है, तो अगर मैं डिप्रेशन पे बात करूँ कि डिप्रेशन होता है,
और इस तरह से होता है, मन की इस अवस्था से होता है, तो इसका मतलब है कि मैं उस डिप्रेशन से गुजरा हूँ। अगर आप कहते हो कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द है, अकड़ गई है बिल्कुल, अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ तो मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, साक्षात्कार उस चीज़ से होता है। तो आज आपको अगर कोई तकलीफ़ है, अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई परेशानी है, आप उस परेशानी, वो परेशानी नहीं है, वो ट्रेनिंग है। एक सिपाही को सीधा जंग में भेज दो, आज वो आया है फौज में लड़ने के लिए, उसको बोलो ये रही तुम्हारी जो भी पिस्टल है, जो भी बंदूक है तुम्हारी, ये रही, जाओ 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 लड़ो। वो बोलेगा भाई मुझे चलानी नहीं आती, मुझे पकड़नी नहीं आती। बोले उसकी ज़रूरत नहीं है तुमको, तुम बस चलाओ जाके चलाओ। तो बोला किधर से चलेगी, क्या चलेगी, किधर एम करना है, मुझे ट्रेनिंग तो दो, कुछ बताओ तो सही, तब तो मैं लड़ूंगा जाके। तो सिद्ध योग में गुरुदेव पहले दिन से आपकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, ताकि जब असल में आप प्रचार करने निकलो और लोग आपसे कहें कि मुझे ये समस्याएं हैं, तो आप उनको विधियां मत बताओ जाके, आप उनको उनके उपचार मत बताओ कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा। आप उनको कहो नाम जाप करो, ध्यान करो, यही विधि यही उपचार है बस। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, इस मंत्र को जपते रहना, घटनाओं को घटते रहना, वही आपकी ट्रेनिंग है। क्योंकि आपने आगे जाके बताना है, तभी ये 1000 साल तक चलेगा। अगर मेरी शिक्षा होगी, मैं दुखों का सामना करूंगा, मैं साक्षात्कार करूंगा अपनी दुखों से, बीमारियों से, तब जाके मैं आगे आने वाले साधक को बता सकता हूं कि हाँ भाई हो जाता है, नाम जपते रहो ये ठीक हो जाता है, ये बाद में जाके ये सारी चीज़ें परिवर्तित होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं उपाय करूँ आज और मैं किसी नए साधक से मिलूँ 10 साल बाद, वो मुझसे पूछे, तो मैं उसको यही करूँगा, नहीं 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 तुम नाम जप तुम करते रहो, लेकिन पहले तुम उपाय करो। तो ये उपाय वाली चीज़ 1000 साल बाद भी जो नया साधक जुड़ेगा तो यही, हाँ नहीं 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 तुम नाम मत जपो, समस्याएं तुम्हारी खत्म होंगी, पहले तुम उपाय करो। ये एक रोग है, उपाय एक रोग है, और ये बहुत गंभीर रोग है। जो लोग इस समय उपाय कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो इसकी गंभीरता को नहीं जानते, उन्हें लग रहा है कि वो गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका वही है जो आप पहले कर रहे थे, हजारों लोगों का मार्गदर्शन जिस तरह से कर रहे थे कि संजीवनी मंत्र जपो और ध्यान करो, इसके सिवाय कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सही तरीका था, वो थे आप। अब जो उपाय बता रहा है वो आप नहीं हो, ना ही वो गुरुदेव का कार्य था जो आपको सौंपा गया था। ये वो असाइनमेंट नहीं है गुरुदेव की जो आपको सौंपी गई थी, उपाय बताने वाली। कोई अगर हमारा विरोध करता है या कोई हमसे कहता है कि ये मत करो, तो वो हमारा दुश्मन नहीं है। हो सकता है कि वो आपसे कम अकल हो, छोटा हो। मेरा बेटा मुझे ज्ञान देगा, पापा आप ऐसे मत करो, तो मुझे गुस्सा आ जाए देखे कि तू मेरे को ज्ञान दे रहा है, मुझे समझा रहा है, बाप को समझा रहा है। लेकिन हो सकता है उसकी बात सही हो, उसका दृष्टिकोण सही हो कि पापा पहले आप ऐसे नहीं थे, अभी आप बहुत गुस्सा करते हो। तो मुझे नहीं पता मैं गुस्सा करता हूँ, उसे पता है क्यों, क्योंकि वो बाहर से देख रहा है मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। जिस कार्य को मैं पहले करता था दूसरी तरह, मैं दूसरी तरह से करने लग गया, तो उसको पहले पता चलेगा, बाहर वाले को, मुझे नहीं पता चलेगा। मैं कुछ गलती करता हूँ तो मेरी बीवी मुझे मेरे रोकेगी, क्या हो गया पहले तो ऐसे नहीं करते थे, मुझे नहीं पता चलेगा। तो मैं, अच्छा ऐसा लगा तुम्हें, हाँ तुम लंगड़ा के चल रहे थे, नहीं सीधा चल रहा था, फिर मैं देखूंगा हाँ थोड़ा लग तो रहा है लंप। तो कई बार बाहर से चीज़ें दिख जाती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको अपमानित कर रहा है या कोई किसी प्रकार से आपको जलील कर रहा है, कुछ भी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम जीवन में कहाँ पर भटक जाते हैं। जब तक हमें पूर्णता नहीं आती तब तक सारी संभावनाएं हैं, सारी संभावनाएं हैं। अगर हम कहीं भटकते भी हैं, अगर हम सच में गुरुदेव के शिष्य हैं, तो हम कहें कि ठीक है थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते, देख लेते अपने आप को ऑब्जर्व कर लेते कि कहीं कुछ नहीं है, तो रुक जाएंगे। चेस खेलते खेलते देखता है तो थोड़ी देर उठ के बाहर से देख लेना चाहिए, अपने दूसरा खिलाड़ी जो आपका ओपोनेंट है ना, उस तरफ चला जाना चाहिए कि इसको मेरा गेम कैसे दिख रहा है, जो ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा या मुझे रोक रहा है, तो उसकी दृष्टिकोण से भी देख लेना चाहिए।
तब शायद उसका दृष्टिकोण आपको प्राप्त हो और आप समझें कि हाँ ये यहाँ से मेरे को गलत पकड़ रहा है। तो आप जब इस प्रचार को निकले हैं हम लेके, तो हमारा काम सिर्फ नाम जाप करना है और ध्यान करना है और गुरु का प्रचार करना है, ध्यान नाम जाप और प्रचार करना है, और किसी भी प्रकार से हम सहायक की सहायता करने नहीं सकते। अगर उसको सहायता की ज़रूरत, उसको सहायता की, उसकी प्रॉब्लम्स अगर सहायता से ठीक होती है, तो वो सहायता ही मुख्य बन जाएगी सिद्ध योग में पूरी। उसकी सहायता नहीं, उसकी सहायता बाहर से नहीं, उसकी सहायता गुरु अंदर से कर सकता है, और गुरु सक्षम है। इस बात को तो धारण करना पड़ेगा कि गुरु सक्षम है, वो कर सकता है सहायता। अगर वो सक्षम नहीं होता तो आपकी सहायता कैसे होती? तब उसका 1000 साल की फोटो जीवित है, फोटो से काम हो रहा है, फोटो तो कुछ भी नहीं बोल रही, कोई उपाय नहीं बता रही। गुरुदेव कहते हैं मेरी फोटो से ही सारा काम होता है। अगर हम शिष्य ना रहे, कोई शिष्य ना रहे, सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर रहे, और एक साधक ऐसे साधक के पास उड़ के चली जाए, एक ऐसे गांव में चली जाए उड़ के जहाँ पे कोई नहीं है, बस फोटो आई थी, वो रास्ते में एक कार जा रही थी गुरुदेव की, वो एक लीफलेट का जो पैकेट था वो गिर गया, और गांव वालों ने देखा यार ये कुछ गिरा हुआ है, उसमें लिखा है गुरुदेव की ध्यान की विधि, इस मंत्र का जाप करो, गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर देखो और 24 घंटे नाम जप करो, आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा। बस इतना ही लिखा रहता है पर्चे पे। पर्चे पे आपने कभी देखा है कि लिखा है लौंग खाना चाहिए? कभी लिखा गुरुदेव ने किसी पर्चे पे, या आपने जितना भी प्रचार आज तक किया है नए साधकों को, उस पे कभी लिखा कि अगर आपको ये बीमारी है या नेगेटिविटी है तो लौंग खाओ? मेरे पास एक पर्चा पड़ा, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं लिखा भैया जी, ऐसे नहीं देख लिखा लेते, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हो सकते हैं हम गलत हो, ऐसी बात नहीं है, कई बार हमें नहीं पता चलता। एक गुरु भाई ने मुझे भेजा, एक ये है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ, इसमें लौंग का लिखा होना चाहिए जरूर। अगर मैं एक गांव का निवासी हूँ जहाँ पे सिर्फ ये पर्चा मिला है मुझे और कुछ भी नहीं मिला, है ना, ना तो राजू शर्मा है, राजशिव नहीं है वहाँ पर, ना ही धर्मेंद्र शर्मा है, ना ही भंवर सिंह है, ठीक है, और ना ही कोई पुराना साधक है, कोई भी नहीं है, ये पर्चा मिल गया गाँव का। अब इसमें लिखा होना चाहिए कि ज्ञान, एक आदमी ज्ञान देता है, बातें करता है, बकवास करता है ज्ञान करके, और एक आदमी लौंग वगैरह दे रहा, कुछ दोनों का कुछ तो लिखा होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो गुरुदेव का ही कार्य कर रहे हैं, दोनों का लिखा होना चाहिए ना, अगर दोनों गुरुदेव के कार्य है तो मेंशन होना चाहिए, ज्ञान वाली बात, सत्संग वाली बात भी मेंशन होनी चाहिए, और वो भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, ना सत्संग लिखा है कि सत्संग करो, उसके सेशन में जाओ, उसका सत्संग सुनो, नहीं लिखा। तो क्या यह सत्संग जो नहीं सुनता उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बल्कि उसका उससे हम लोगों से ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी पूरी आस्था डिपेंड वो गुरुदेव पे ही होगा, वो आपके अंदर से भटकाने वाला नहीं है वो आपके अंदर। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ब्लाइंडली आपको धारण नहीं करना है, वो तो जानकारी का विषय है, सिर्फ जानकारी का विषय। मैं सिर्फ अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरे अनुभव में ये चीज़ आई है, मैं अपना अनुभव रखता हूँ हमेशा, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं कभी दूसरे व्यक्ति की एग्जांपल से बात नहीं करता, मैं इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपना परिवर्तन बता रहा हूँ इस सेशन के माध्यम से। मैं आपको किसी चीज़ की धारणा की बात नहीं कहता कि ये मेरे साथ हुआ तो आपको यही करना चाहिए, मैं सिर्फ अपने परिवर्तन की बात बता रहा हूँ। इसीलिए ये बहुत, ये अनिवार्य नहीं है सत्संग सबके लिए, ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको अगर प्राप्त हो रही हैं तो सिर्फ ये है कि हाँ आप उस फ्लो में हो बस, तो उपाय जो है वो अनिवार्य नहीं है। हम काम कर रहे हैं गुरुदेव के, अलग अलग काम कर रहे हैं सबके, लेकिन हम उससे क्या इफेक्ट और क्या अपने काम को कितना महत्व देके या फिर उसको अनिवार्य घोषित तो नहीं कर दे, कंपलसरी तो नहीं बना दे रहे कि ये कंपलसरी ही है, यही करोगे तो होगा, नहीं तो होगा नहीं। अगर वो कंपलसरी नहीं है तो उसकी सूचना देनी चाहिए कि ये कंपलसरी नहीं है। बीमारियां ठीक अंदर से स्वयं होती हैं, और मैं आपको खुद कहता हूँ कि मुझे गुरुदेव ने उपाय दिया, मैंने लौंग खाए, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बताया लौंग खाने के लिए। 2019 में जब मैंने पूर्ण समर्पण किया, सारे मंत्र छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, महामृत्युंजय छोड़ दिया, पूजाएं छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया,
पूरे प्राण गुरुदेव को पे छोड़ दिए और सिर्फ गुरुदेव के मंत्र को पूर्ण निष्ठा से और गुरुदेव के ध्यान को करने लग गया। तब मुझे खांसी हो गई बहुत ज़्यादा, समर्पण करते ही मुझे बहुत खांसी हो गई, रुकती नहीं थी खांसी। तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि लौंग से खांसी रुकती है, तुम लौंग खाओ, खांसते रहते हो। तब कोरोना नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है मैं लौंग खाता हूँ। तो मैंने एक लौंग वैसे घर में लिया तो मुझे ठीक लगा, महसूस हुआ कि हाँ आज बस में मुझे खांसी नहीं हुई। तो मैंने लौंग का पैकेट खरीद लिया, लौंग का पैकेट खरीद लिया तो पता नहीं लौंग में टेस्ट आने लग गया या ऐसा लगा कि मुंह में फ्रेशनेस रहती है, अच्छा रहता है। मैंने 1.5 महीना वो लौंग खाया, 40 दिन हो गया, 40 दिन, चलो 40 दिन का उपाय मान लो, चलो 1.5 महीना खाया मैंने, 1.5 पॉइंट तो मैंने खाया। तो मुझे किसने बताया उपाय? मेरी पत्नी ने थोड़ी कहा कि तुम ये उपाय करो, उसने तो कहा तुम्हें खांसी हो रही है, उसके माध्यम से मुझे कहा कि हाँ तू खा ले लौंग खा ले। लेकिन ये गुरुदेव ने कहलवाया और आज मुझे लग रहा है भैया जी आपसे मेरे लिए कहलवा रहे हैं गुरुदेव, मेरे को बहुत खांसी हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। हाँ, तो ये आप यही बात मैं कह रहा हूँ कि आप बाहर से भी गुरुदेव के कुछ शिष्य है ना कहते हैं कि 40 दिन लौंग खाओ, है ना। तो हम सिर्फ लौंग से, अगर आपको वो उपाय मिलना है तो हमें अंदर से मिल जाएगा, वो किसी पे थोपने की जरूरत नहीं कि 40 दिन करोगे तभी तुम्हारी समस्याएं ठीक होगी। हमने समस्याएं ठीक कर दी, कुछ नहीं किया तुमने, अपने गुणगान करवाने की बात है बस और कुछ नहीं। ये सत्संग जो मैं करता हूँ, ये ज्ञान की बात जो करता हूँ, इसमें मेरा गुणगान की बात नहीं है। मैं एक आईना हूँ जिसमें प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश नहीं तो ये आईना अंधेरे में पड़ा हुआ है, इसका कोई लाभ नहीं। शिष्य एक आईने की तरह है और कुछ भी नहीं है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, सिर्फ वो गुरुदेव को रिफ्लेक्ट कर सकता है अगर उसमें वो क्षमता गुरु प्राप्त कर दे, नहीं तो वो एक ऐसा मीडियम बन जाएगा जिसमें से प्रकाश निकल जाएगा। एक दो तरह के शिष्य होते हैं, एक जिसमें हमारी छवि दिखती है, एक जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाता है। तो जब उसमें वो गुरु कर देगा, लेप लगा देगा अपना, तो वो उसका प्रकाश प्रकाशित करना शुरू कर देगा। तो ये ज्ञान उसी का ही है और ये जितने भी उपाय हैं वो अंदर से प्रकट होंगे। ये ज्ञान जो मैं हम बात करते हैं, मेरे कहने से क्या आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जा रहा है? मैं कितने सेशन कर रहा हूँ और एक ही चीज़ को पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, फिर भी आपको कई बार लगती होगी ये नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर से अभी तक प्रकट नहीं हुआ। जब तक वो आपके अंदर से प्रकट नहीं होगा वो सही नहीं है, वो सिर्फ आप हाँ इस माहौल में रहने से, गुरुदेव के साथ जुड़े रहने से एक अलग समीकरण है जरूर, लेकिन बदलाव आप में करेगा वो अंदर से प्रकट होने वाला है। आपकी जिज्ञासा हो सकती है कि हाँ हम गुरुदेव की बात सुने या ये योग में परिवर्तन आता है, जैसे आप पुस्तक पढ़ते हो, आप सत्संग में इस समय बैठे हो तो समझ लो एक पुस्तक है, बस एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसे आप पढ़ रहे हो, लेकिन कोई पुस्तक आप में परिवर्तन नहीं करती। हाँ, लेकिन पुस्तक आपको वो ऊर्जा जरूर दे देती है कि आप उस ऊर्जा में रह के उस नाम जाप को करो, बस वो नाम जाप आप में परिवर्तन करेगा। जो अनिवार्य है वो इसमें मेंशन होगा, प्रचार में, प्रचार के पर्चे में मेंशन होगा, ठीक है। नहीं तो कहते ना अभी सत्संग होता है इसमें इतने बजे ज्वाइन करो, ये करो वो करो, सब होता। मैं खुद अगर प्रचार करता तो मैं लिखता ना हाँ भाई ये करो सत्संग करो इससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ये करो, कोई ज़रूरत नहीं। जिसने आना है, जिसने बैठना है, हम गुरु की बात करते हैं करते हैं, बस ये एक तरह का एक बस हमारा इवनिंग अड्डा है जिसमें हम गुरुदेव की बात करते हैं, सिद्धयोग की बात करते हैं, एक पुस्तक की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। तो उपाय जो है वो आपको अंदर से मिलेगा, जैसे मुझे मेरे अंदर से मिला। 5 साल तक मैं बीमार रहा। अगर आप कहते हो आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी, कोई गुरु भाई है बहुत परेशान है हमसे, उसने कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं धर्मेंद्र शर्मा का, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बीमार हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप तकलीफ में हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बिल उठ रहे हैं, वो सिर्फ एक एजेंडा बनाना चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है गुरु भाई, पता नहीं ये वीडियो तो पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा उन तक, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं भी धर्मेंद्र शर्मा का इस समय विरोध ही कर रहा हूँ। धर्मेंद्र शर्मा का विरोध इसलिए कर रहा हूँ, उनके तरीके का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थे। आपको शायद मालूम नहीं है कि धर्मेंद्र शर्मा के सारे एपिसोड्स मैंने देखे, 150 तक तो मैं उनके साथ ही था। उनके एपिसोड देख देख के ही मैंने नाम जाप किया है। वो एपिसोड करते थे, उनको देख देख के मैंने अपना एपिसोड गुरुदेव का प्रचार शुरू किया है। अगर मैं आज ये प्रचार कर रहा हूँ या सेशन कर रहा हूँ तो समझ लो मैं स्टूडेंट हूँ और वो प्रिंसिपल है। उसको देख के
कैसे बात करते हैं, कैसे गुरुदेव की सबको नमस्कार करके वेलकम करते हैं, ये सब मैंने उनसे सीखा। उनकी अनुभूतियों की जो पहले वीडियोस आती थी पुराने गुरु भाइयों की, वो हम सुनते थे। हमको तो सारा पता ही वहाँ से चला गुरुदेव के बारे में, उनके सेशन से पता चला। और किसी ने कभी उनका विरोध नहीं किया, और जो करते थे हमें पता है जो विरोध करते थे, वो सिर्फ प्रचार का ही विरोध करते हैं, वो हमेशा ही करते रहेंगे, किसी का भी करते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने सबका प्यार हासिल किया, हम सबका प्यार मिला उनको। लेकिन फिर वो गुरुदेव के कुछ ज्यादा चहीते बन गए, सिर्फ वो चहीते बन गए और हम रह गए। उन्हें लगने लगा कि सिर्फ वो ही चहीते, और वो थे भी, लेकिन फिर उन्हें उस चीज़ का अभिमान हो गया। उस अभिमान में उन्होंने दूसरों की कमर तोड़नी शुरू कर दी, और उनमें से एक कमर मेरी है जो उन्होंने तोड़ी है। इस बात को मैं खुला कहता हूँ, और उनको बुला लो, बिठा लो मेरे सामने और पूछो उनसे कि उन्होंने मेरी कमर तोड़ी है कि नहीं तोड़ी है। ये ले जाओ कटिंग, इतना ही ले जाओ, और उनसे पूछो कि राज शिव के साथ आपने क्या किया है, क्या राज शिव आपसे स्नेह नहीं करता था, आपको फॉलो नहीं करता था, आपके एपिसोड्स नहीं देखता था, आपसे प्रेम नहीं करता था, आपका कौन सा नुकसान किया राज शिव ने जो आपने उसे पहली बार ब्लॉक कर दिया, उसे नेगेटिविटी घोषित कर दिया, उसे तांत्रिक घोषित कर दिया। फिनेंशियली कमर तोड़ दी, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया, ऐसे तो नहीं थे आप। और ये बात आप दिखा दो, वीडियो कटिंग ले जाओ उनके पास, अगर वो कहें कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप कहना, वो नहीं कह सकते, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरा विरोध किया। फिर वो कहेंगे इसलिए किया, उसलिए किया, लेकिन क्यों किया? अगर मैं गलत होता तो क्या मैं गुरुदेव की बात वैसे ही आज तक करता रहता? क्या मेरा बदलाव वही रुक नहीं जाता? उन्होंने तो मुझे कहा था इनडायरेक्टली, अगले थर्सडे को देखना प्रोग्राम, नहीं अगले थर्सडे तक आपको पता चल जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा था, एक हफ्ते की वार्निंग दी थी उन्होंने मुझे। जब उन्हें लगा कि मैं भटक गया हूँ या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जो कि मैंने कभी नहीं किया, मैं यहाँ बैठा हूँ गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ। अब एक शिष्य आता है कोई नया, वो बैठता है और उसकी ऊर्जा से सबकी ऊर्जाएँ उठती है, मेरी भी उठी, और मैंने कभी अपना वीडियो को डिलीट नहीं किया, आज भी है, देख लो जाके ऊर्जाएं उठ रही हैं, सबकी उठी, मेरी अकेली नहीं उठी, सबकी उठी। लेकिन उन्होंने कहा जो आया है वो भी तांत्रिक है, जो बैठ के करवा रहा है वो भी तांत्रिक। ना तो मैं उनको जानता हूँ, ना मैंने उनको कभी बुलाया, ना मैंने उनको कहा कि तुम मत आओ, वो खुद आई, खुद ऊर्जाएं उठी, हम सारे जामसर गए, जामसर में जाके वो सारी ऊर्जाएं शांत होगी, हम वापिस आए, उसके बाद कोई ऊर्जा नहीं उठी, कोई प्लानिंग नहीं थी, जो घटा गुरु की कृपा से घटा, यही हुआ पूरा कार्यक्रम, कोई प्लानिंग नहीं थी, अपने आप ऊर्जाएं उठी सेशन में, अपने आप बंद हो गई। लेकिन राज शिव की कमर तोड़ने में धर्मेंद्र शर्मा ने आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी, आज भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई मेरे साथ जुड़े ना, जुड़े ना मतलब कोई मेरी बात ना सुने। और ये बात आप धर्मेंद्र शर्मा से पूछ लेना जाके, अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं वो सही है। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, अब उन पे जो परत चढ़ गई है ना, वो उनको खराब बना रही है, और वो उस परत को देख नहीं रहे। और ऐसा नहीं है कि गुरुदेव वो परत उतारेंगे नहीं, उतारेंगे, अगर वो गुरुदेव के प्रिय हैं तो गुरुदेव उनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे उनको, बहुत काम किया गुरुदेव के लिए, अपने शिष्य को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर वो गलत अगर सही है तो वो चलेंगे, चलते वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं, लेकिन अगर गलत हैं तो गुरुदेव उनको ठीक कर देंगे। हम ठीक नहीं कर सकते, हमारी बातों से वो ठीक नहीं होंगे, उल्टा भड़केंगे, ये कहाँ से आ गए, ये तो कल के बच्चे हैं, ये तो मेरे सेशन देख देख के आज बोलना सीखे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हम बच्चे, मैं तो बच्चा ही उनके आगे, लेकिन मैं नहीं समझा सकता, मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी उनको, क्योंकि उन्हें मेरी बातें लगता है कि मैं बकवास करता हूँ और कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें करता है, ये तथाकथित ज्ञान है, उन्होंने तो मेरी बातों को तथाकथित कहा है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कह सकते हैं, लेकिन मेरे कहने से उनमें बदलाव नहीं आएगा, बदलाव तो गुरुदेव ही करेंगे।
और ये जितना भी सब हो रहा है, जो सब उनसे प्रेम करते थे, आज क्यों उनसे उनके विरोध में आए? आज जो कुछ गुरु भाई कहते हैं हम उनसे नफरत करते हैं, मैं इस बात से भी आपकी विरोध करता हूँ कि नफरत नहीं करते, हमने उनसे प्रेम भी किया है। ये तो वही शख्स है जिससे हम प्रेम करते थे, हमें किसी कीड़े ने थोड़ी काट लिया, या हम पागल थोड़ी हो गए कि जिस व्यक्ति से प्रेम करते थे, जिसका कोई एपिसोड नहीं छोड़ते थे, जिससे बात करने के लिए लोग तरसते थे, जिसके साथ मेडिटेशन करने के लिए लोग तरसते थे, आप नहीं जानते, आप नए जुड़े हो, हम पुराने हैं उनके साथ के, हम आपसे ज़्यादा स्नेह करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, मैं तो करता हूँ, लेकिन अगर मुझे अभी सही कहने का कहा जाए तो मैं सरेआम कहता हूँ कि गलत कर रहे हैं, भटके हुए हैं, वो कोई पूर्ण तो हुए नहीं कि भटक नहीं सकते, या तो कह दें मैं पूर्ण हूँ, मैं भटक नहीं सकता, ये स्टेटमेंट दे दें, ये तो नहीं दे सकते स्टेटमेंट कि मैं पूर्ण हो गया हूँ या मैं भटक नहीं सकता, ये भी कह दें कि मैं भटक नहीं सकता, मैं ऐसा योगी हूँ कि मैं नहीं हो सकता, मेरे वो कहेंगे मेरे पर गुरु का आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद में आपने बहुत लोगों को देखा है भटकते हुए, आप जानते भी हैं, जो गुरु के साथ रहे, गुरु के साथ रहे, गुरु की सेवा की, वो भटक गए, कोई भी भटक एक सकता। गुरु भाई ने, भैया जी, एक गुरु भाई ने ऑडियो डाली थी कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और जो नए साधक हैं अगर उनको कोई तसल्ली नहीं हो रही गुरुदेव से, तो उनको अगर वो उपाय बता रहे हैं उससे तो बढ़िया ही है कि वो गुरुदेव को छोड़ दें कि उपाय करो, लौंग का करो, 40 दिन का करो, तो वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे मेरी हैं? ये इस बात पे पता क्या चक्कर तो, है, हाँ आप बताओ पहले, हाँ बोलो। मैंने तो फिर उस पर कुछ नहीं कमेंट किया, मैं इन सब चीजों से दूर ही रहती हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ना कि देखो जो चल रहा है गुरुदेव की कृपा से ही चल रहा है, जो लौंग वाली बात है ना, जो देने वाली बात है, ये पहले भी होती थी, हम फोन पे भी हमने भी कहा है लोगों को, आप कुछ दिन लौंग खाओ, गुरुदेव का मंत्र का ध्यान करो, और उन्होंने भी कहा है, हमने भी कहा है, सबने कहा है ये बात, ये कोई नई कोई उड़न तश्तरी से कोई नई चीज़ नहीं, उन्होंने अपनी जादू की पोटली से निकाल के दे दी किसी को, सबको पता है। लेकिन जब उन्होंने कहा, ये भंवर सिंह जी जब उनके साथ जुड़ गए, कहे कि आप धर्मेंद्र शर्मा को पहले फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट लो, और ये मंत्र आपको दिया, आप आगे नहीं किसी को ये विधि बता सकते, ये जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया ना, वो गलत है। अरे लोगों की तो बात छोड़ो, हाँ। जामसर मत जाओ, पलाना मत जाओ, हाँ, पजलवास हाँ। मत जाओ, धर्मेंद्र माँ ये है माँ, हाँ। कोई भूतनी बता रहे हो, हाँ। तो ये चीजें वो गलत कर रहे हैं। माँ साधारण औरत है, चलो चलो वो नहीं मानते ना माँ को, वो तो उनकी देखो साधना की उम्र में बड़ी तो पूजनीय है कि नहीं है। धर्मेंद्र शर्मा भाई नहीं मानते ऐसी बात नहीं, उनके साथ जो लोग हैं वो नहीं मानते, और वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं इस एक्चुअली इस समय इन्फ्लुएंस में आ रखे हैं, उनके लिए साधारण है वो, हमारे लिए साधारण है वो। पता है आपको पहली बार जामसर के दर्शन, पहली बार पलाना के दर्शन किसने करवाए थे हमें? पहली बार हमें पलाना के दर्शन धर्मेंद्र शर्मा ने करवाए थे, हाँ। हमें तो पता भी नहीं था, मैं तो सोचा करती गुरुदेव का शरीर है अभी, हाँ। तो धर्मेंद्र शर्मा ने वहां जाके, आप अभी तो उनका चैनल ही बंद कर दिया, गुरुदेव ने नया चैनल खोला है, उनके पास वीडियो वैसे होंगे, तो उनको पूछो कि आप कभी पलाना गए हो, उनके माध्यम से हमने पलाना देखा, उनके माध्यम से हमने जामसर देखा, आज वो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। पहली बार तो, दर्शन किए थे, हाँ, बक्सी जी थे और वो पंकज गोस्वामी जी और धर्मेंद्र जी, हाँ, तीनों बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ। और एक चीज मैं बताता हूँ, हाँ, आपको, ये जो पलाना नहीं जाने वाला जो कीड़ा है किसने छोड़ा है? ये छोड़ा भंवर सिंह जी ने